जब मरमंगल से देवदत्त को निकाल दिया गया और उसकी जगह पर वहां जाकर मैंने सारा काम संभाला, तो ये शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। मिलन, दरअसल मैंने बताना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन इसके अलावा एक और बात है, उसके बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मगर देवा के अलावा अगर किसी तीसरे से तुमने ये बात बताई तो समझ लो, बचपन में तुम जिस हाथ को पकड़कर स्कूल ले जाया करती थी, वही हाथ किसी का खून करने से भी बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ और जो तुमने आंखों से देखा, तो याद रखना यही दिया, याद रखना, अर्थी के पास नहीं रखना पड़ जाए। बस यही समझाने के लिए मैं यहाँ आया था। कविता, देवा मुझे माफ कर दो, जब कोई रास्ता नहीं सोचा तो मैं यहाँ चला आया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे चले आने के बाद कुछ लोग हमें जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। अभी तक तो हर मुसीबत से मैंने इसे संभाला, लेकिन अब संभालना मेरे बस का नहीं है। जब पता चला तुम यहाँ रह रहे हो तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी तुम अपने साथ ही रख लो, इसीलिए लाया। देवा भैया एक मिनट, कहीं कोई गड़बड़ ना करें। वो मिलन, कविता को इस बारे में पता ना चले तो अब हम लोग क्या करें? वो मेरे साथ रहेगी यहीं पर। कविता अंदर चलो। अगर ये बात मरमंगल को पता चली तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे भगवान। माँ, पिताजी आ गए। लक्ष्मी ऐसे कब तक चलेगा, ठीक से खाना भी नहीं खाती हो। मेरी भूख तो मर चुकी है, जब उसके बारे में दूसरों ने कहा तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन अब वो उस लड़की को लेकर आ गया और लाकर यहीं पर रहने लग गया है। जब मैंने सुना तो मुझे भी यकीन हो गया। उस कमीने ने तो ये भी नहीं सोचा कि हम माँ बाप का क्या होगा, गांव में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। चाची, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम बेकार में चिंता मत करो। तुम्हें बचपन में हमने बहुत दुख दिया है, लेकिन आज वो सब भूल कर भी मेरे बेटे की जगह पाकर हमारे दुख दर्द को तुमने अपना समझा। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ चाचा जी। मरमंगल की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बार बार जब वो कमीने आंखों के सामने आता है तो मुझ पर क्या बीतती है मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके लिए जो प्यार था उसका 1% भी चाची के दिल में मेरे लिए नहीं है। हमारे दिल में तेरी क्या जगह है ये तो अभी नहीं समझ पाएगा बेटे, अब तू मरमंगल का एक सदस्य है, अपने मन को दुखी मत कर। चलो। सोचा था तेरा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन तुझे इस लड़की के साथ देखकर खुश हुआ। पिताजी, मरमंगल के बारे में जरा तो सोचा होता, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करने वाली एक माँ वहां पर रहती है, पर लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चल बेटे। मेरी वजह से और अपमान मत सहो, मेरी वजह से ही आपको उन्होंने अपने घर से निकाल दिया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे रोने जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, पिताजी ने गुस्से में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ मुझ मनुष्य का नाम लेकर ही सब आपका अपमान कर रहे हैं। अब इस संसार में जबकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो ऐसे में जी कर भी क्या करूँगी। मेरी वजह से आप बदनामी मत लो, मैं तुम्हारी बहनों किसी से बोल नहीं पा रहे हो, सबसे छुपा कर रख रहे हो और मेरी वजह से अपमान सह रहे हो, ये भला कहाँ का न्याय है भैया। कविता, मैं एक मनहूस हूँ, मैंने आपका जीवन भी बर्बाद कर दिया।
ऐसा नहीं बोलते कविता, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बने उसी के लिए सब कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, जिसमें आपका अपमान हो मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। अब मेरा मन नहीं अच्छा है, मैं सच कह रही हूँ।